हाउ टू डाउनलोड ITR PDF फाइल। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी अपना ITR भरते हैं या CA की मदद से भरवाते हैं और आपको ITR की जो PDF फाइल होती है अगर वो डाउनलोड करना है, तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे कैसे आपको PDF फाइल को डाउनलोड करना है बिना किसी CA या वकील की मदद से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं और सीखते हैं इनकम टैक्स की जो ITR फाइल होती है PDF, उसको अपन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना CA वकील की मदद से। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है इनकम टैक्स। तो आप देख पाएंगे फर्स्ट नंबर पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जिस पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। आप ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, आप URL भी देख लीजिए, incometax.government.in लिखा हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जैसे आप सर्च करेंगे मोबाइल या कंप्यूटर पे दिखाई देगी। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे जो पेज है आपके सामने ऐसे यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना होगा, तब जाके ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हैं तो उसमें आपको ऐसे ही दिखाई देगा। ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, चंद सेकंड वेट करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा। एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं लॉगिन पे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अभी लॉगिन हो रहा है, मतलब लोडिंग हो रहा है, और आपके सामने एक नई विंडो यहाँ पे खुल के आ जाएगी लोडिंग के बाद। थोड़ा सा वेट करना होगा यहाँ पे अपन को। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको इंटर यूर यूजर आईडी देखने को मिलता है। अब किसी भी वकील ने या अपन को CA ने अपनी यूजर आईडी होती है वो तो दी नहीं होती है, या अपन को पता नहीं होती है, तो बताना चाहेंगे जो आपका जो यूजर आईडी होता है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होता है, वही आपका यूजर आईडी होता है। अब अपने पैन कार्ड के नंबर पर आप लोग देख सकते हैं क्या आपका पैन नंबर लिखा हुआ है। सिंपल आपको पैन नंबर को यहाँ पर लिखना होता है, वही आपका यूजर आईडी होता है। कई लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, भाई अपना अकाउंट नहीं है तो कैसे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो बताना चाहता हूँ मैं आपके लिए, अगर आपने किसी भी CA या वकील से अपना ITR फाइल कराया हुआ है, तो वो आपके जो होता है आधार कार्ड या पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होकर होता है। तो यूजर आईडी जो होती है वो आपका पैन कार्ड का नंबर होता है, वो होता है, ठीक है। अब आई की बात पासवर्ड की, तो पहले बताना चाहूँगा, देखिए पहले अपन अपना जो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे लिखा है पासवर्ड। अब भाई पासवर्ड अपन को पता नहीं है ना, अपन को CA ने दिया, तो बताना चाहेंगे आप लोग क्लिक कर सकते हैं सिंपल फॉरगेट पासवर्ड पर। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, उस OTP को डाल के आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। 5-10 सेकंड का लगभग या दबा 1 मिनट का काम होगा, आपका एक नया पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका नया पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, फिर आपको लॉगिन पेज पर फिर से आ जाना होता है, और सिंपल आपका जो पैन कार्ड का नंबर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो भी आपका नंबर होगा वो डालना होगा। वो नंबर डाल के जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप जो कि देख पा रहे हैं लिखा हुआ है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी में क्या होता है, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो पैन कार्ड का नंबर यहाँ आपको डाल देना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नीचे देख पाएंगे कंटिन्यू लिखा हुआ है, उस कंटिन्यू पे क्लिक करके एक OTP आएगा, डाल देना है, एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको होम पे आ जाना है, और लॉगिन करते समय जो आपका यूजर आईडी है वो आपका पैन कार्ड का नंबर रहेगा, और जो आपने अपना पासवर्ड बनाया हुआ है वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पहले अपन अपना जो पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पे अपन डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। अब जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके वो यहाँ डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे मेरे केस में क्या है, पासवर्ड पहले से पता है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दूंगा। और ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है प्लीज़ कन्फर्म यूर स्क्रीन एक्सेस, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, और फिर सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग दिखाई देगी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग होने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक का, तो यहाँ अपन वेट कर रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं अभी लोडिंग चली रही है। तो यहाँ आप देख पाएंगे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा सेव पासवर्ड, अगर आप चाहें तो इसको अपना सेव कर सकते हैं, नेवर पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब बताना चाहूँगा जो आपका डैशबोर्ड है ऐसा दिखाई देगा, ऊपर आपका नाम दिखाई देगा जिस भी नाम से आपका इनकम टैक्स होगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको क्लिक करना होता है, ऊपर आप देख पाएंगे इस पर कुछ भी नहीं करना। ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना ई फाइल, और यहाँ आपका जो नाम लिखा हुआ है, तो जो आपका पैन कार्ड में नाम लिखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा,
और यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है ई फाइल। तो ई फाइल में आपको नीचे देख पाएंगे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बगल में आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू फिल रिटर्न, देख पाएंगे आप। एक मिनट रुक जाइए, फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे और फिर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी पेज लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ आप देख पाएंगे मेरा जो ITR है जो मैंने भरा हुआ है इनकम टैक्स, यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं 2024 और 2025, ठीक है। अगर आप लोग पहले से भी अगर इनकम टैक्स भरते आ रहे हैं भाई 24, 25 या 23, 22, तो अगर आप कंटिन्यूटी भरते आ रहे हैं काफ़ी सालों से, सारे आपकी जो एंट्रियाँ होती हैं वो यहाँ दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मैंने अभी एक ही बार भरा हुआ है, इसलिए एक ही एंट्री दिखाई दे रही है ईयर्स की 2024 और 2025 की। अगर आपकी पुरानी एंट्रियाँ भी हैं तो इसके नीचे लाइन बाई लाइन आपको देखने को मिलेंगी। अगर एक ही पेज में नहीं दिखाई दे रही तो आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे पेज चेंज करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पेज करने का। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पुरानी एंट्रियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब इनको डाउनलोड करने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना होता, आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे PDF आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। तो ये आपकी जो है ITR की जो फाइल होती है PDF फाइल, ये आप देख पा रहे हैं आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे बताना चाहूँगा आपके लिए, तो ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपने कितना आपको रिटर्न मिला है कितना नहीं मिला पूरा लिखा हुआ है। जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि ऐसे इसको देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपके लिए, इसे मान लो अगर आपने जो भी आपका इनकम टैक्स कटा हुआ है तो यहाँ पे आप एक एंट्री देख पाएंगे, इसे लिखा हुआ है 5000 कुछ, तो मुझे रिटर्नेबल मतलब रिटर्न मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे तीन ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, एक है डाउनलोड फॉर्म का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी भी एक PDF फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। उसमें और भी अच्छे से काफ़ी कुछ मेंशन होता है, अभी मैंने डाउनलोड पर क्लिक करा हुआ है तो आप देख पा रहे हैं डाउनलोड हो रही है मतलब लोडिंग हो रही है। तो इसको देखना समझना, जो लोग उसके बारे में जानते हैं वो देख लेते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। कई बार होता क्या, अपन वकील या अपन CA वगैरह से भरवा लेते हैं, कभी अपन को PDF की नीड पड़ती है तो PDF अपने पास नहीं होती, उनसे बोलना होता है सर हमें सेंड कर दीजिए, फिर वो बोलते हैं आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, ऐसे करते हैं तो खुद दिक्कत आती है। तो आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी वकील और CA के। तो यहाँ आप देख पाएंगे फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसको सिंपल आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। सिंपल ओपन करेंगे, एक मिनट दोस्तों, ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे आपका जो PDF है पूरा यहाँ पे आ चुका है, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इसके बारे में समझते हैं तो यहाँ पूरी एंटिटी हुई होती हैं, लगभग ये 15 से 20 पेज के आसपास होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ज़्यादा ही पेज हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पूरा आपका हर एक चीज़ एंट्री लिखी हुई होती है। अब बताना चाहूँगा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जॉनसन फाइल का, इसको आप HTML वगैरह जावा में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोडिंग के हिसाब से इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑर्डर डेट, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक जो फाइल निकलती है ना, जिसको बोलते हैं CPC फाइल। अब ये जो PDF फाइल होती है बिना पासवर्ड के दोस्तों ये ओपन नहीं होती है, कई लोगों को दिक्कत आती है, सोचते हैं पासवर्ड क्या होगा हमारे इसका, तो पासवर्ड नहीं पता कर पाते। तो बताना चाहूँगा जो आपका पैन कार्ड का नंबर होता है उसको आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर जो होते हैं ना ABCD वाले स्मॉल, तो यहाँ पे आपको स्मॉल में पैन कार्ड का नंबर डालना होता है, ठीक है। नंबर डालने के बाद आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है, आपको फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मान लो पैन कार्ड का नंबर XYZ है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 00/1995, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा मेरा पैन कार्ड का नंबर 00/01/01/1995, मतलब कि भाई अपना मंथ मतलब कि मैं 1 जनवरी 2094 मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ है, मान लो 1 जनवरी 2024 यहाँ पे 01/01/2000 जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आएगी। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पे डालना होती है। अब डालने के बाद सिंपल यहाँ देख पाएंगे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको सिंपल पैन कार्ड नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद बिना किसी स्पेस के सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये PDF जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा लिखा होगा कि आपका कब क्या जो कुछ भी है पूरा मेंशन रहेगा। इसको आप देख लीजिएगा समझ लीजिएगा, जो लोग देखना जानते हैं वो समझ जाते हैं क्या है कैसा है, ठीक है। बेसिकली जो वीडियो थी इस बारे में थी कि किस तरीके से आप लोग अपना जो ITR होता है उसकी जो इनकम टैक्स की जो फाइल होती है PDF उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि आप लोग इसी सीख जाएं जिससे आपको कभी PDF की नीड पड़े तो खुद उसको डाउनलोड कर सकें, ठीक है ना। बाकी कई बार CA वगैरह हेल्प नहीं करते हैं अपनी या कोई फाइल देना भूल जाते हैं, अगर आप उनसे मांगते हैं तो वो दे भी देते हैं लेकिन कई बार नहीं मिल पाती टाइम पर, तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई है, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।